ये ओला उबर जो कंपनियां हैं ये ड्राइवरों का शोषण कर रही हैं, तो इनको बंद कर दिया जाए या कानून के अंतर्गत लिया जाए। ठीक है, ये तो दिखा देते हैं कि भाई हम इतना दे रहे हैं पैसा ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर से तो जाके पूछो भाई ड्राइवर को क्या मिल रहा है। ड्राइवर को तो कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो। गैस बढ़ी उसमें 100 रुपये की खर्चा आ रहा है, 150 रुपये का, 50 रुपये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देंगे या ओला उबर कंपनी दे रही है। आप समझो ओला उबर भी, ये भी तो टैक्सी है, परमिट इसका भी इशू होता है, टैक्स इसका भी भरा जाता है, गवर्नमेंट को सारा खर्चा ये उसी तरीके से देती है जैसे काली पीली टैक्सी देती है। ठीक है ना, जब जब हम आप गवर्नमेंट हमसे टैक्स उसी तरीके से ले रही है तो हम भी तो ये चाहेंगे तो हमें किराया भी तो उसी तरीके से मिलना चाहिए ना भाई। आपने उन जैसे उन टैक्सियों को बढ़ाया, इन टैक्सियों को बढ़ाया, अगर अगर हमारा किराया नहीं बढ़ा सकते तो आप अपना टैक्स कम कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं IPA एक्सटेंशन दिल्ली और आज हम बात करेंगे टैक्सी चालकों से कि किराए से बड़ी संबंधित समस्याओं के विषय में, क्योंकि अभी हमने सुनने में आया है कि जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत जी, उन्होंने एक पोस्ट शेयर करी थी जिसमें हमें पता चला था कि टैक्सी चालकों के किराया जो है बढ़ा दिया गया है पहले की अपेक्षा। तो अभी यहाँ पर बात करते हैं कि क्या वाकई में किराया बढ़ा गया है, क्या अब पहले की अपेक्षा इन्हें ज़्यादा फेयर मिल रहा है। तो हमारे साथ हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? राणा सिंह। राणा सिंह जी हमारे साथ हैं। राणा सिंह जी एक बात बताएं, आप जिस तरीके से पहले फेयर होता था, पहले कितने रुपए किलोमीटर मिलता था आपको? पहले तो हमें सही मिलता था, फिर अब जब से गैस बढ़ी है केजरीवाल सरकार ने जो फेयर तो बढ़ाया पर हमारा नहीं बढ़ाया वो। अभी सुनने में जैसे आ रहा है, हमने जैसे बात करी है कि टैक्सी चालकों का फेयर बढ़ा दिया पहले की अपेक्षा। पहले जो है 16 रुपये AC का होता था और अभी AC का 20 रुपये कर दिया, तो आपका बढ़ा उस तरीके से? सर हमारा नहीं बढ़ा वो, आपके प्रीपेड का बढ़ा है। अच्छा, प्रीपेड ऑटो वालों का बढ़ा सर, हमारा नहीं बढ़ा। नहीं, ऑटो वालों का तो पहले 9.50 होता था, अब 11 रुपये कर दिया गया है। अभी टैक्सी वालों की बात कर रहे हैं, टैक्सी वालों सर, टैक्सी वालों में ऐसा है सर, जो टैक्सी जो एयरपोर्ट की गाड़ियाँ हैं उनका फेयर बढ़ाया हुआ है प्रीपेड वालों का। अच्छा, और ओला उबर का जो हम भी ओला उबर चलते सर, हमारा नहीं बढ़ाया उसमें कुछ भी। आपका क्यों नहीं बढ़ाया? अब सर ये भेदभाव हो रहा है। अच्छा, अब क्या बता सकते हैं? किस चीज़ का भेदभाव है इस टाइम पे बताएंगे एक बार? सर भेदभाव वो है कि ओला उबर का इनका कुछ मतलब नहीं समझते हो वो, उनको टैक्सी वालों को ज़्यादा इनको ज़्यादा वो दे रहे मतलब। अच्छा, काल पीली तो वालों। क्या आप लोग यहाँ दिल्ली में नहीं रहते? सर हम रहते हैं दिल्ली में, हम वोट भी देते हैं केजरीवाल सरकार को, पर सर पता नहीं क्यों भेदभाव कर रहे हो हमारे साथ। अच्छा, आपको लगता है कि सरकार जो आपके बीच भेदभाव कर रही है? तो आप जी सूरज जी, आपको हम जानते हैं काफ़ी लंबे समय से, जैसे कि मान लो अभी केजरीवाल सरकार ने कुछ पेमेंट जो बढ़ाई है, जो एक कमेटी गठित की थी किराए संशोधन कमेटी कहते हैं इसे, तो उसका एक प्रस्ताव रखा गया था, वो पास कर दिया गया है, तो क्या लगता है सही किया है या गलत किया है? देखो अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो सभी ड्राइवरों के लिए एक जैसा रेट होना चाहिए, चाहे वो काली पीली हो या वाइट कलर हो या इकोनॉमी रेडियो टैक्सी हो। ठीक है, आज जिस तरीके से गैस के जो रेट बढ़े हुए हैं फिलहाल में, उसके मुताबिक रेट अभी न्यूनतम है। बेशक इन्होंने किराया ड्राइवर की नज़रों में बढ़ा दिया है, लेकिन जिस तरीके से गैस के रेट बढ़ते हुए जा रहे हैं, उस तरीके से रेट अभी ड्राइवरों के लिए उचित नहीं है। अभी कौन सी गाड़ी आपके पास? देखो इस टाइम मेरे पास ऑटो है। ठीक है, लेकिन ऑटो पे भी आजकल देखा जा रहा है कि आज गैस के जो दाम है 78 रुपये हो गए हैं। ठीक है, आज सवारी हमारे पास में आती है तो हम कहते हैं भैया हमारे गैस के रेट बढ़ गए हैं, तो हमारा किराया भी बढ़ चुका है, आप हमें इस रेट में चलने को हम तैयार हैं। तो सवारी तो दो ही चीज़ हमारे को बोलती है कि भैया हम कंप्लेंट कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, वो चीज़ हमारे सामने आती हैं, लेकिन नेगेटिव ही क्या है सरकार की कि बड़े बड़े आपके पास न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है, और प्रेस मीडिया भी बहुत सारी हैं, क्यों नहीं आप उन लोगों को पब्लिक तक पहुंचा रहे हो कि भाई ये रेट हम लोगों ने गवर्नमेंट ने तय कर दिया है, इनका बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ में तो दिया गया है, काफ़ी सारी न्यूज़ बड़े बड़ी नेशनल न्यूज़ है सब में दिया गया है, लेकिन आज हमारे से जो पैसेंजर मिलता है आज वही चीज़ सवाल जवाब करता है कि भाई अभी तुम्हारे रेट नहीं बढ़े हैं। ठीक है, उसके लिए भी सरकार को और कदम बढ़ाने चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ एक और है, क्या ओला उबर कंपनियाँ ये ट्रांसपोर्ट के अंडरटेकिंग है? अगर अंडरटेकिंग है तो ये कानून के दायरे में आनी चाहिए। ठीक है, वो अपने मन मुताबिक हम ड्राइवर भाइयों का शोषण कर रही हैं, तो ये इसका कौन सा कानूनी दिल्ली के अंदर में राज चल रहा है भाई? ये ओला उबर जो कंपनियां हैं ये ड्राइवरों का शोषण कर रही हैं, तो इनको बंद कर दिया जाए या कानून के अंतर्गत लिया जाए। ठीक है, ये तो दिखा देते हैं कि भाई हम इतना दे रहे हैं पैसा ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर से तो जाके पूछो भाई ड्राइवर को क्या मिल रहा है। ड्राइवर को तो कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो।
गैस भरी उसमें 100 रुपये की खर्चा आ रहा है, 150 रुपये का, 50 रुपये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर देंगे या ओला उबर कंपनी दे रही है? कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। ड्राइवर अपना भूखा मर रहा है बेचारा, 24 घंटे रोड पर रहता है, उनकी उनके तरफ देखो तो सही कम से कम। लेकिन इन इन सरकारों ने पता है क्या आँखों पर पट्टी बांध रखी है, ठीक है, ये नहीं चाहेंगी। क्योंकि आने वाले टाइम में हम दिखा भी देंगे केजरीवाल सरकार को कि आगे आने वाले टाइम में हम सरकार नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे ड्राइवरों का आए दिन कुछ ना कुछ शोषण होता रहता है। धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सलीम। सलीम जी, आप जैसे किराया अभी सरकार ने बढ़ाया है, मान लो प्रीपेड का बढ़ाया, काली पीली का, इस तरीके से जैसे पहले 70 रुपये एसी होता, 16 रुपये होता था एसी टैक्सी का, वो तो, और अब 20 रुपये का। तो जब जब टैक्सी निकाली गई थी, जब उनका वो रेट निर्धारित किया गया था, मगर वो रेट उसको उस तरीके से रेट चला ही नहीं ना सर, वो मिला कभी। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार भेदभाव कर रही है। नहीं, भेदभाव आप समझो, ओला उबर भी, ये भी तो टैक्सी है, परमिट इसका भी इशू होता है, टैक्स इसका भी भरा जाता है, गवर्नमेंट को सारा खर्चा ये उसी तरीके से देती है जैसे काली पीली टैक्सी देती है, ठीक है ना। जब जब हम आप गवर्नमेंट हमसे टैक्स उसी तरीके से ले रही है, तो हम भी तो ये चाहेंगे तो हमें किराया भी तो उसी तरीके से मिलना चाहिए ना भाई। आपने उन जैसे उन टैक्सियों को बढ़ाया, इन टैक्सियों को बढ़ाए, अगर अगर हमारा किराया नहीं बढ़ा सकते तो आप अपना टैक्स कम कर दीजिए सीधे भाई। हम तो साफ सुथरे रहते हैं, आप हमसे टैक्स पूरा वसूल कर रहे हो तो हमें किराया पूरा चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप काली पीली टैक्सी वालों से अपने तरीके से मतलब दे रहे हो और हमारे साथ हमें पूछ भी नहीं रहे हो। आपको पता है ओला उबर के मैं अभी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, 8 रुपये पर किलोमीटर हमें टोटल चार्जेस मिलता है। कौन सी गाड़ी का? कौन सी गाड़ी? डिजायर, जिसमें प्राइम की गाड़ी आती है, प्राइम की। मेरे पास डिजायर, स्विफ्ट डिजायर है मेरे पास, एक्सेंट हो गई, डिजायर हो गई, मिनी का रेट तो है ही है, उसके अलावा बता रहा हूँ आपको मिनी का रेट। दिल्ली में ऑटो का तो किराया 9.5 रुपये था, अभी 11 रुपये हो गया है, और उस हिसाब से डिजायर का किराया भैया, ऑटो ऑटो वालों ने काफ़ी बहुत मेहनत करी है, आपको पता है ऑटो वाले की यूनियन कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, हमारी यूनियन भी थोड़ी सी है।